सीबीएसई के रीजनल ऑफिसर अरविंद कुमार मिश्रा शनिवार को रांची दौरे पर थे। अरविंद कुमार मिश्रा सीबीएसई बिहार झारखंड के आयोजित होने वाली परीक्षाओं का न सिर्फ संचालन करते हैं बल्कि सफलतापूर्वक परीक्षा संपन्न कराने में अपनी भूमिका निभाते हैं। अरविंद कुमार मिश्रा से बात की है संवाददाता जलाल ने। सीबीएसई बोर्ड लगातार उनका ग्राफ बढ़ता जा रहा है। हर परिवार की इच्छा होती है कि वो अपने बच्चों को सीबीएसई बोर्ड के माध्यम से शिक्षा दिलाएं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं सीबीएसई के रीजनल ऑफिसर अरविंद कुमार मिश्रा, जिनके जिम्मे बिहार और झारखंड में परीक्षाएं आयोजित करना, रिजल्ट देना तमाम काम है। सर, सबसे पहले आपका न्यूज लाइव में बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। सबसे पहला सवाल ये है कि जब भी सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं तो बच्चों का तो दिल धड़कता ही है, गार्जियंस के भी दिल धड़कते, क्या है पूरी प्रक्रिया, कैसे होती है? इसमें दिल धड़कने की जो बात है वो नहीं होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि इसको हम एक उत्सव के रूप में मनाएं ताकि ये परीक्षा का जो भय है, परीक्षा का जो डर है उससे हट सकें। परीक्षा तो हर दिन होती है जिंदगी में, इसलिए इसको उस रूप में लेने की जरूरत है, आवश्यकता है। इसके साथ ही साथ चूंकि उसका एक एकेडमिक वैल्यू है, एकेडमिक इम्पोर्टेंस है उसका, तो और ये 10th और 12th सीबीएसई की परीक्षा सीबीएसई परीक्षा लेती है, तो उसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि बच्चे उसको सीरियसली लें, देखें, समझें, जानें और उत्सुकता रखें। जितनी ज़्यादा वो जानने की इच्छा होगी उतना ज़्यादा वो उनके लिए बेटर होगा, उसको समझें। और प्री बोर्ड एक्टिविटी होते हैं बच्चों के बीच में, क्या कुछ इसमें होता है और क्या कुछ आप बोलना चाहेंगे? प्री बोर्ड एग्जामिनेशन की यदि ये बात कर रहे हैं तो वो स्कूल अपने लेवल पे करती है प्री बोर्ड का एग्जामिनेशन, लेकिन जो सीबीएसई में होता है वो क्लास 9th और क्लास 11th, उसमें रजिस्ट्रेशन होता है। जो क्लास 9th में रजिस्ट्रेशन होता है जो क्लास 10th में नेक्स्ट ईयर एग्जाम देते हैं, और क्लास 11th में रजिस्ट्रेशन होता है जो अगले साल क्लास 12th का एग्जाम देते हैं। उसके साथ ही एक LOC भरी जाती है क्लास 10th और 12th में, और वो LOC भरने के बाद ये हमारे पास जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं उस स्कूल के, वो हमारे पास डिजिटल फॉर्म में आ जाता है और फिर उसके अकॉर्डिंगली हम सारी चीजें जो प्री एग्जाम एक्टिविटीज की तैयार हुई थी वो सारी चीजें करते हैं। लिहाजा 2024 की बोर्ड परीक्षा में चाहे वो 10th की परीक्षा हो या फिर 12th की, ऐसा उत्सव मनाए, इस प्रकार से एग्जाम दे कि लगे कि उत्सव में शामिल होने जा रहे हैं। करमय मानस के साथ अजय लाल, न्यूज 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।